अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप मुझे देख रहे हैं बहरिया टाउन अपडेट्स के पेज पर। और आज हम बात करेंगे, बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट आज लेके आए एम्पायर हाइट्स के हवाले से, जो कि होटल सर्विस बेसिकली अपार्टमेंट है। अब ये होटल सर्विस की जब बात आती है तो नॉर्मल जो एक लोग होते हैं, जो मासेस होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से डेवलप करने के लिए आज मेरे साथ अली मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बहरिया टाउन होटल सर्विस अपार्टमेंट का एक नया ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, ये अली से जानते हैं। जी अली, एम्पायर हाइट में होटल सर्विस अपार्टमेंट बेसिकली ये क्या है और मुमकिन कैसे है? शुक्रिया गौहर आपका। देखें, अभी तक तो बहरिया टाउन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जो होटल सर्विस अपार्टमेंट की सर्विसेज देगा। ये पहला अपनी तर्ज का सबसे ख़ास लोकेशन पर बहरिया टाउन की, वो ख़ास लोकेशन जहां बच्चे और फैमिली सबसे ज़्यादा, जहां पर उनका रुझान सबसे ज़्यादा होता है, okay. वो है थीम पार्क एडवेंचर लैंड, बिल्कुल मेन गेट से 500 मीटर के फासले पर। और तमाम लोग जो बहरिया टाउन का रुख करते हैं उनको पता है कि ये कहाँ मौजूद है। उसके बिल्कुल सामने तमाम अपार्टमेंट फेस कर रहे हैं थीम पार्क को, वहाँ पर ये होटल सर्विस अपार्टमेंट एम्पायर हाइट्स के नाम से आ रहा है, जिसमें आपको अपार्टमेंट आपका होगा, सर्विसेज हमारी होंगी और आपको पर डे, पर वीक, फॉर्टनाइट और पर मंथ के हिसाब से रेंट हम देंगे। अच्छा अली, होटल सर्विस अपार्टमेंट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पास तो इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो शहर कारीब के लोग हैं, उनको इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि होटल सर्विस अपार्टमेंट बेसिकली हैं क्या। अच्छा देखें, वो तमाम लोग जो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं और रेंट हासिल करना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात है, अपार्टमेंट लिया, फ्लैट लिया, दुकान ली और रेंटल कर दी। होटल सर्विस अपार्टमेंट में आपके अपार्टमेंट को फर्निश किया जाता है, okay. और अगर आपको टू बेडरूम लाउंज या टू बेडरूम डीडी का रेंट 30,000 आ रहा है, तो होटल सर्विस में मेंटेनेंस फर्निश करना पूरे अपार्टमेंट को, ये कंपनी का काम यानी हमारा होगा, और आम अपार्टमेंट की निस्बत 3 गुना रेंट आपको ज़्यादा आता है। इससे भी बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अपार्टमेंट मेंटेन रहता है। ओके okay. अच्छा जी, बेसिकली ये किस तरह से अपार्टमेंट है, इनकी इनके जो बेडरूम्स हैं वो तमाम चीज़ें, उसकी क्या डिटेल्स हैं और इनकी प्राइसेस बेसिकली क्या है? गौहर, इसमें 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट रखे गए हैं, और एक हमारे कस्टमर हैं जिनको 3 बेडरूम इस लोकेशन पर चाहिए था, हमने उनको 2 और 1 बेडरूम को अटैच करके 3 बेडरूम कर दिया, आसान कर देते हैं। एक 2 बेडरूम था, एक 1 बेडरूम था, दरमियान की जो वॉल थी वो निकाल दी तो वो 3 बेडरूम हो गए। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, हम इसमें 1 बेडरूम दे रहे हैं और 2 बेडरूम दे रहे हैं, पर स्क्वायर फीट रेट है 12,000 रुपये। और अगर आपने ईद के तीसरे दिन तक, या चलें 2-4 दिन आगे कर लें आप, बुकिंग करवाई तो आपको 11,000 पर स्क्वायर फीट में ये अपार्टमेंट मिलेगा। कम अज कम डिस्काउंट है 7 लाख एक सबसे छोटे अपार्टमेंट पर, और ज़्यादा से ज़्यादा 11,55,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पर, बुकिंग पर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा एम्पायर हाइट्स में। अच्छा, एम्पायर हाइट के डिस्काउंट्स की तो अली आपने बात की, लेकिन अली आपको नहीं लगता कि ये अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है? थोड़ी सी ज़्यादा है। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं इस जवाब के साथ कि जो ये लोकेशन है वो कोई नहीं है। मैं अपने ही प्रोजेक्ट की मिसाल देता हूँ, 19 स्क्वायर 95 PM रेजिडेंशिया 1-2 मेजन हाइट्स, AD हाइट्स, ये वो लोकेशन हैं जो अपनी, इनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन देखें हमेशा से थीम पार्क की एक वैल्यू रहेगी। बिल्कुल। आपके आगे जिना एवेन्यू है, आपका अपार्टमेंट बैक साइड से भी ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है, और जिना एवेन्यू 400 फीट वाइड रोड है और फिर थीम पार्क है। थीम पार्क अपनी जगह से कभी नहीं हटेगा, ऐसा नहीं है कि इंक्रोचमेंट हो रही है तो हट गया और नई कटिंग आ गई और ये सारी चीज़ें। तो और होटल सर्विस अपार्टमेंट पहली दफ़ा आ रहे हैं, सही। अभी आपको ये अगर ज़्यादा लग रही है तो वक्त साबित करेगा कि ये अपनी तर्ज का एक, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, एक बेहतर प्रोजेक्ट था, है, जिसकी उस वक्त कीमत आपको लगेगी, बल्कि आप ये कहेंगे कि मतलब काश हम ये ले लेते इस लोकेशन के प्रोजेक्ट को। बिल्कुल, अगर अपार्टमेंट मेंटेन भी रहे और 3 गुना उससे अमाउंट आपको रिसीव भी होती रहे, तो आई थिंक अली से ज़बरदस्त कोई बात हो नहीं सकती।
लेकिन अली आपको नहीं लगता शहर गायब के लोगों के जिंदगियों में और बड़े मसले मसाइल हैं, तो ये होटल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट शहर गायब के लोगों के लिए ज़्यादा कुछ आपको लगता है कि कारामत साबित होने वाला है? देखें, हर चीज़ पहली दफ़ा नहीं होती है, वो कोई भी काम आप करें पहली दफ़ा तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो पहले करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हिट कर जाता है, एट टाइम्स नहीं भी करता। लोगों को ये बताना तो है ना कि हम मॉडर्न एरा में जा रहे हैं, हमने वो एक सोच से निकलना है कि फ्लैट लिया और मामे को, चाचे को, उनके बच्चों को, उनके आगे बच्चों को रेंट पे दे दिया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या ज़िंदगी चलती जा रही है बस 20-25 हज़ार आ रहा है। देखिए, आपको थोड़ा सा अपडेट तो हम नहीं कर सकते, एक टेक्नोलॉजी के बारे में या एक मॉडर्न एरा के बारे में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके अपार्टमेंट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फर्निश किया जा रहा है एक बेहतर लोकेशन पर, क्रेडिबिलिटी के साथ बेहतर टेनेंट्स आपको मुहैया किए जा रहे हैं, और जहां आप अपनी कैपिटल अमाउंट से माना 30,000 कमा रहे हैं, आप थोड़ा सा सोच को बदलेंगे तो 60 भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ सोच को, जहाँ तक अली आपने बदलने की बात की तो सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आप एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हैं उससे आगे भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए यकीनन आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है, जो कि चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अली, होटल सर्विस अपार्टमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोकेशन एक वो चीज़ होती है जो कि वैल्यू एड करती है आपकी प्रॉपर्टी पे। तो मेन गेट से बैरिया टाउन की इसकी लोकेशन बेसिकली क्या है? मेन गेट से ये हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। बैरिया का एक ही हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल करीब बैरिया अपार्टमेंट्स, लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट नंबर 89, थीम पार्क के सामने, मेनजन एवेन्यू, बैरिया के अपार्टमेंट्स, बैरिया हॉस्पिटल। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कोई बंदा किसी भी मकसद के लिए बैरिया आ रहा है, वो परचेजिंग के लिए, सेल के लिए, बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, वो लोग यहाँ से गुजर के ही जाते हैं। तो वो लोकेशन है, और ये एक बनता हुआ प्रोजेक्ट है। बेसमेंट 1 बन चुकी, बेसमेंट 2 बन चुकी, ग्राउंड फ्लोर बन चुका, और ऊपर देखिए सबसे मुश्किल काम गौहर होता है बेसमेंट और ग्राउंड का बनना। मुश्किल काम इज इन दैट सेंस कि टाइम टेकिंग है। अब ये हो चुका है फर्स्ट फ्लोर एंड देन 8th फ्लोर। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि अच्छा खासा बंदरकार होता है, और जो बाहर होता है वो सोचता है कि पता नहीं ये तरक्याती काम कौन सा है जो कि मुकम्मल नहीं हो रहा, और नजर भी नहीं आता, मुकम्मल भी नहीं हो पा रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो चीजें हो चुकी है, 8 मंथ्स में इसका स्ट्रक्चर रेडी होगा, और 1.6 यानी 1.5 साल में कब्जा है, 2 साल किस्तों का प्लान है। जबरदस्त, 1.5 साल में कब्जा है और 2 साल टोटली ये किस्तों का प्लान है। तो अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हैं तो मेरा, अली का और दानियाल का नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जाइए कॉल कीजिए और इस ऑफर से फायदा उठाइए।